अगर डी इक्वल टू जीरो है तो बोथ जीरोज आर सेम, और अगर डी लेस देन जीरो है तो नो रियल जीरो। हाँ जी करवा देती हूँ, क्लियर है ये? हाँ जी ठीक है। अब कल वाले क्वेश्चंस मैं बता दे, अच्छा अब देखो ये कर दूं इरेज, ये लिख लिया बी ग्रेटर देन जीरो पे, मैं दे रही हूँ मुझे मिल गया क्वेश्चन, वो एक और अलग क्वेश्चन है। बी ग्रेटर देन जीरो पे बोथ जीरोस आर डिफरेंट, रियल भी होंगे, इक्वल टू जीरो पे बोथ जीरोस आर सेम एंड रियल भी होंगे, एंड लेस देन जीरो पे नो रियल जीरो। हाँ जी क्या केस स्टडी है, फिर वही डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ है, कर दूं ही रेज ये? अब कई क्वेश्चंस हमारे ऐसे आते हैं जहां पे हमें डायरेक्ट नहीं पता लगता कि ये चीज किस हिसाब से हमने निकालनी है। जैसे एक क्वेश्चन है जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, वेयर के इज अ नॉन जीरो नंबर दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अदरवाइज वो आपके जो रूट्स हैं वो डिफरेंट और इक्वल हो जाएंगे। अब ऑप्शंस हमें गिवन है, दीज कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन है दीज आर ऑलवेज अनइक्वल, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑलवेज इक्वल। अब देखो हमें उसने क्या कहा, जीरोस की बात हो रही है, जीरोस ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स, हाँ यानी कि हमने जीरोस की नेचर बतानी है, तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि अगर जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे अगर हम वो लेके चलते हैं तो वी कैन टेल द नेचर ऑफ ए बी एंड सी, कि ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है या ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है। अब इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए की वैल्यू क्या आएगी वन, बी की वैल्यू के, एंड सी की वैल्यू विल आल्सो बी के। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालो क्या आएगा, अब अब क्यों सिर्फ इसके बेसिस पे मैं कैसे कह दूंगी कि एक रूट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, के नॉट इक्वल टू जीरो है तो इट मीन्स के विल बी हैविंग डिफरेंट वैल्यूज, फिर माइनस वन माइनस टू भी डाल सकती हैं, कैसे इसी में फर्दर आगे आपका फॉर्मूला लगता है एक्स इज इक्वल टू, ये जीरोस निकालने के लिए वैसे क्वेश्चन में हम यूज करते हैं तो रूट्स वर्ड हम यूज करते हैं कि रूट्स निकालने के लिए ये आपका फॉर्मूला है, तो दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, ठीक है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस जो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है उसका स्क्वायर रूट अपॉन में टू ए। अब बी की वैल्यू क्या है, माइनस के प्लस माइनस के इंटू के माइनस फोर अपॉन में टू ए। अब क्या करेंगे आप,
देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने के लिए, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू, ये लर्न करना पड़ेगा आपको, माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट का रूट डिवाइडेड बाय टू ए। अब एक बार इसको हम प्लस के साइन के साथ लेते हैं, एक बार माइनस के साइन के साथ लेते हैं। अब उसने क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कांट बी बोथ पॉजिटिव कांट बी बोथ नेगेटिव ऑलवेज अनइक्वल या ऑलवेज इक्वल। हाँ तो ये कर दो इरेज ये वाला पार्ट। चलो अब क्या कह रहे हो आप, अच्छा जी एक बार पॉजिटिव ले लिया फिर कैसे। अब मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू आपकी कब सॉल्व होगी, ये वाला रूट जो है आपका कब सॉल्व होगा, स्क्वायर करके कैसे कटेगा, कैसे स्क्वायर करूं और क्यों करूं, कोई कंसेप्ट जो हम लगा रहे हैं उसके पीछे कोई रीजन भी तो होना चाहिए। अब ये आपकी वैल्यू आपको कब मिलेगी, किस किस को इक्वेट कैसे करोगे, एक्स एक्स सेम नहीं है, ये लो ये फर्स्ट रूट ये सेकंड रूट, हमें ये पता ही नहीं है कि रूट्स सेम होंगी नहीं होंगी, इक्वल हैं अनइक्वल हैं, हमें कुछ नहीं पता, दैट इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग। अच्छा अब इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, k इंटू k माइनस फोर पे, ये रूट आपका कब निकलेगा, हाँ k की वैल्यू क्या, k इंटू k माइनस फोर रूट के नीचे वाली वैल्यू जब पॉजिटिव होगी, जब ये रूट के नीचे वाली वैल्यू आपकी लेस देन जीरो हो गई, यू नो दैट आपने अभी इस लेवल पे नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं किया, got this? तो इट मींस कि ये वाले जो रूट्स हैं इनकी वैल्यू निकालने के लिए ये जो k इंटू k माइनस फोर अंडर द रूट है दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब k इंटू k माइनस फोर शुड बी ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब हाँ कब होगी, बच्चे इसको ध्यान से देखो, ये वैल्यू इसका रिजल्ट मुझे पॉजिटिव चाहिए, कब पॉजिटिव आएगा, किससे बड़ा होगा, माइनस फोर से कि फोर से, के जब आपका फोर से बड़ा होगा, अगर के फोर से छोटा हो जाता है दिस वैल्यू विल बिकम नेगेटिव, ठीक है। तो k क्या होना चाहिए आपका, 4 से बड़ा होना चाहिए। अब ये k 4 से बड़ा मतलब सारी वैल्यूज पॉजिटिव, तो क्या आंसर आएगा, हम अभी जीरोस की वैल्यूज नहीं निकाल ली हम, हमने अभी k का डिसाइड किया। अब अगर k हम लेके चले नेगेटिव तो माइनस इनटू माइनस विल गिव यू दैट विल अगेन बी पॉजिटिव, तो फिर किसका, k के साइन को नहीं बेटे हमने देखना, हमने किसके साइन को देखना है, k के साइन को नहीं हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, बताओ जी। क्या कह रहे हो, से पहला छोड़ दिया करो, सेकंड से शुरू कर लेते हैं फिर, है ना,
जल्दी बताओ बेटे, मेरे को ना यही चीज आप लोगों की अच्छी नहीं लगती। आप फालतू बातें ज्यादा करते हो, कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते। छोड़ देना फिर, जहां लगे ये फैक्ट है कि जो क्वेश्चन आपको लगे कि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, लीव दैट क्वेश्चन, दैट इज ऑफ 1 मार्क। उस 1 मार्क के लिए आप अपने बाकी मार्क्स लूज मत करना। जो भी लग रहा है अनसीन क्वेश्चन आया है उनको पहले छोड़ दो, पहले जो सीन क्वेश्चंस हैं डू दैट क्वेश्चंस वो हो जाएंगे, देन गो टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए सारा पेपर नहीं खराब करना आप लोगों ने, ये चीज दिमाग में बिठा लो। अब आओ वापिस, इससे बिल्कुल पता लग जाएगा जी। अब इस पे आओ वापिस। के ग्रेटर देन 4 हो गया तो वहां से हमें क्या पता लगा? इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ए आपका 1 है, किसका किसका सम निकाल लोगे? अच्छा चलो, सम ऑफ जीरोस क्या आया? माइनस के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया प्लस के। अब क्यों? प्रोडक्ट पॉजिटिव है, फिर क्या हुआ? बोथ द जीरोस विल, बोथ द रूट्स या जीरोस विल हैव द सेम रूट साइन, प्रोडक्ट क्योंकि पॉजिटिव है, या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, फिर क्यों? एक प्लस एक माइनस में तो फिर प्रोडक्ट आपका गया, प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम क्या आंसर आया? क्यों? इक्वल और अनइक्वल भी तो है, ऐसे थोड़ा ना। अच्छा, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट यू आर। अब बताओ आगे क्या होगा? पहले इस पे वापस आ जाओ, बातें मत करो, अभी मैं कुछ कह के हटी। देखो के इंटू के माइनस 4 था, हमने एक केस ले लिया के ग्रेटर देन 4। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि अगर के नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस दैट विल अगेन गिव यू पॉजिटिव वैल्यू देगा वो भी आपको, यानी कि दो केस बन रहे हैं। एक में हमारे पास के लेस देन 0 हम ले रहे हैं, एक में हम लेके चल रहे हैं के ग्रेटर देन 4। अब बताओ आप, के लेस देन 0 है जब, तो उस टाइम पे जब आप सम और प्रोडक्ट लोगे तो क्या बनेगा? अभी आपने यही मुझे कहा ना कि सम जो है दैट इज माइनस बी अपॉन ए आ गया माइनस के, और प्रोडक्ट आ गया के। अब मतलब सम जो है ये मेरे पास माइनस ऑफ के आर है, प्रोडक्ट जो है ये प्लस ऑफ के आर। अब जब के लेस देन 0 है तो उस मोमेंट पे सम क्या बन जाएगा? माइनस इंटू माइनस विल बी पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? नेगेटिव। तो इस केस में व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स? व्हाट कैन यू से अबाउट दैट? सम पॉजिटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? व्हेन द बोथ द जीरोस विल हैव ऑपोजिट साइंस, प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस, और सम क्या आ रहा है? पॉजिटिव। क्या आया? ऑलवेज अनइक्वल। अच्छा अब इधर आओ, सेकेंड केस लो, व्हेन के इज ग्रेटर देन 0 सम क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, प्रोडक्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब ये केस क्या कह रहा है? बोथ विल हैव द सेम साइन, या बोथ नेगेटिव या बोथ पॉजिटिव, फिर तो इसका क्या हुआ? फिर इसका क्या हुआ?
फिर वही तो, वो फिर इट मींस दोनों को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा वो। नो क्या लेके चलोगे, हाउ विल यू डिफाइन दिस? थोड़ा कुछ आगे से बोल लो तभी मैं बताऊंगी ये आप कंसेप्ट सही बता रहे हो कि गलत बता रहे हो। आप तो बिल्कुल ही नहीं दिमाग लगाते हो। एक बार सारे कंसेप्ट इसके रिकॉल करो, क्या क्या किया अभी तक आपने। बस आंसर वहां से देख लो और फिर बता दो, है ना। ए ही है आंसर, इज ओके कि कांट बी बोथ पॉजिटिव। यहां हमने क्या शो किया, दे आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। अगले में क्या है, अगले में भी ओके कौन सा, क्यों इसमें प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों के साइन क्या हो रहे हैं, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अब सम चेक करो, सम क्या है, सम क्या है, नेगेटिव कब आएगा, तो फिर ओवरऑल जब आप लेके चलोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा, दोनों में से किसी भी केस में आपका पॉजिटिव नहीं आ रहा। गॉट इट? हाँ, नहीं है जरूरत इसकी, तभी मैंने नहीं करवाया था क्योंकि डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ, इससे आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ जी, अगर नहीं स्ट्राइक आउट करता माइंड में, फिर आप देन यू गो फॉर दिस फॉर्मूल। इससे बस हमें ये पता लगा कि जो हमारी के की वैल्यू होगी वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। वो वैसे हमें यहाँ से भी पता लग गया था, जो के नॉट इक्वल टू जीरो भी था, तो यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो। तभी मैंने नहीं करवाया, यू वर सेइंग कि मैम ये हो जाए। चलो अब यही चैप्टर करना है कि नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पे मैंने सिर्फ एक दिन देना है क्योंकि उसके एज सच बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, उसके सिर्फ केस स्टडी और एसर्शन रीजन हम करेंगे, बाकी जो है उसके क्वेश्चंस काफी इजी है। हाँ जी, किसके, वो भी करेंगे, डोंट वरी। चलो फर्स्ट एसर्शन हमें गिवन है। हाँ जी, इफ अ बॉक्स कंटेन्स 5 white, 2 red and 4 blank, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल इज 5 by 11। अच्छा, इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट हमें गिवन है, रीजन जो है इसका, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 minus प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वेयर ई, मेरे को तो पहले बोलने दिया करो, जब मैं कहती हूँ बोलो उस टाइम बोलते नहीं हो, वेयर ई कॉम्प्लीमेंट इज एन इवेंट। एसर्शन क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, नॉट ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल मीन्स ईदर इट कैन बी रेड और इट कैन बी ब्लू या ब्लैक, जो भी था, 6 by 11, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी इज 5 by 11, तो नॉट व्हाइट ये गलत हो गया, एसर्शन इज फॉल्स। अब रीजन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज 1 minus प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इज इट करेक्ट और फॉल्स?
ट्रू है, कॉम्प्लीमेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप वन में से माइनस कर देते हो क्योंकि इनका दोनों का सम टोटल इज वन, तो एसर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो क्या आएगा आंसर आपका? एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, व्हेन टू कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल This is 1/4 and reason हमें given है probability of getting head is half. When two coins are tossed simultaneously, the probability of getting no tail, assertion true है. कैसे? HH, PH, HP and TP. तो नो टेल वाली एक ही ऑप्शन है, HH वाली टोटल फोर है तो 1/4. उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज हाफ. क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन वन टॉस ऑफ अ कॉइन? हाँ तो फिर ये क्या है? क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग टू कॉइन्स को हम कैसे लेके चलते हैं? क्वेश्चन सुनो, फर्स्ट एसर्शन में टू कॉइन्स हैं और रीजन में वन दे रहा है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? हाफ. Assertion क्या कह रही है? नो टेल मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. तो हाफ फर्स्ट टाइम आई, हाफ सेकेंड टाइम आई, तो वॉट इज दिस इक्वल टू? हम क्या मान के चलते हैं जब हमें वो कहते हैं कि वी हैव टॉस्ड टू कॉइन्स, तो उस टाइम पे हम क्या मान के चलते हैं कि हमने साइमल्टेनियसली उनको थ्रो कर दिया. अदरवाइज जो हमें गिवन होती है स्टेटमेंट वो क्या होती है? टॉस्ड टू कॉइन्स, अ कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स, यानी कि पहली बार उछाला फिर दूसरी बार उछाला. और हम उसको क्या मान के चलते हैं कि दो कॉइन्स हमने एट अ टाइम थ्रो कर दी. तो ये 1/4 ऐसे आता है, और अगर हम वैसे लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू द सैंपल स्पेस तो ये ऐसे आता है. तो बोथ आर करेक्ट और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन. गॉट इट? अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से स्टेटमेंट बुक में पढ़ी हो तो उसमें भी यही चीज मेंशन होती है, अ कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स. A coin is tossed two times में हम उसको लेके चलते हैं कि two coins are tossed simultaneously. थ्योरी पढ़ी होगी अगर, थ्योरी में भी ये चीज मेंशन है, पर पढ़ी नहीं है हम, है ना? नाइन्थ स्टैंडर्ड ना आप लोगों से ज्यादा सीरियस है इन एग्जाम्स के लिए, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि एमसीक्यू का मतलब ये नहीं है कि ए बी सी डी और चलो जी पास. तो बी सीरियस अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस. नेक्स्ट है, assertion है हमारे पास इनस. हाँ जी, क्या फिर मैं ही भेजा करूं? मतलब सब पकी पकाई खिचड़ी मिले, सिर्फ उससे नहीं ना काम चलना बेटे. बोर्ड में आप एक चीज मान के चलो, बोर्ड में हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन आपने डाल दिया जो ये नहीं डालना चाहिए था, ये हॉट्स लेवल का है या ये इस लेवल का है. वी कांट चैलेंज देम, जो आ गया आ गया. वो बात अलग है कि बाद में अगर प्रेशराइज उनको किया जाए तब वो बेस मार्क्स दे देते हैं, बट वाई टू गो फॉर सच अ सिचुएशन? आप अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड रखो ताकि अगर आपका पेपर जैसे आप दे के भी आते हो बाद में टेंशन ना रहे कि पता नहीं ये क्वेश्चन मेरा सही है या नहीं. एक एक नंबर मान के चलो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एसर्शन है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इज 1. एसर्शन क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इज 1. नंबर लेस देन 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, कौन कौन से नंबर्स आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 ऑप्शन होगी फेवरेबल, टोटल भी 6, 6/6 प्रोबेबिलिटी इज
वन। उसके बाद वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज वन। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज वन, तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट, टू प्लेयर्स सानिया एंड दीपिका प्ले अ टेनिस मैच। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच इज 0.68। क्वेश्चन नहीं सुनना मैंने, है ना? आप मेरे को पहले आंसर बता दिया करो, उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन फ्रेम कर दूंगी, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच, ये सानिया की विनिंग प्रोबेबिलिटी है 0.68 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीपिका विनिंग द मैच इज 0.32। रीजन दे रहे हैं वो, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इज वन। दोनों का सम टोटल वन आ रहा है, तो इट मीन्स assertion इज करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ द नेक्स्ट, अब ये orally बता देना जो orally हो रहे हैं। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0.0001। रीजन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, then probability of A lies between 0 to 1। दोबारा सुन लो, assertion क्या कह रही है? Event is very unlikely to happen, its probability is 0.001। Reason क्या है? Probability of A denotes the probability of event A, then it lies between 0 to 1। Probability of A lies between 0 to 1। A is करेक्ट, ओके। रीजन वैसे सही है कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाए करती है, बट दैट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट, ठीक है? कि वहां से वो उसका स्पेसिफिक रीजन नहीं बन रहा है, सो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट एसर्शन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पी, if probability of an event is p, then probability of its complementary event will be 1 minus p. Or reason hai, when e and e complement are e and e dash ya e bar are complementary events, then the sum of their probabilities is 1. Both are correct and reason is the correct explanation of the assertion. Now the next, अब ये ध्यान से करना। कार्ड नंबर्ड 5 to 102 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। जब इस तरह के नंबर्स आते हैं ना, बीच में से नंबर्स आ रहे हैं आपके, अब यहाँ पे क्या है, कार्ड नंबर्ड फ्रॉम 5 to 102, इसके लिए टोटल निकालने के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस और प्लस वन कर देना, ठीक है? क्योंकि ये दोनों नंबर्स इंक्लूडेड हैं, तो 102 में से 5 माइनस कितना आएगा, 97, प्लस क्या कर दोगे 1, यानी कि टोटल कार्ड्स विल बी 98। व्हाट दिस, ये ही बच्चे गलती करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं बट प्लस 1 नहीं करते। अब जब आप इन दोनों को माइनस कर रहे हो, तो इनमें से एक नंबर ऐड हो रहा है, दूसरा ऐड नहीं हो रहा वो काउंटिंग, तो आपने क्या करना है, जैसे आप लो 1 से लेके 10 तक नंबर्स अगर मान लो मैंने लिख लिए, अब इनको अगर मैं वैसे काउंट करूं कितने नंबर्स हैं, ये 10, बट अगर मैं इनका डिफरेंस लूं तो वो क्या आ रहा है, 9, एक नंबर बीच में से स्किप हो गया, तो टोटल नंबर जो है वो सेम रखने के लिए ये प्लस 1 आपने जरूर करना है। जब भी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नंबर्स आपको नहीं गिवन है, तो बीच में से जो भी नंबर्स गिवन है उनका डिफरेंस और उसमें 1 ऐड कर, ठीक है? 1 to 100 अगर मेरे पास नंबर्स है, मैं वैसे देखूं तो 100 बन रहा है, बट डिफरेंस की फॉर्म में लू तो दैट विल गिव मी 99। अगर मान लो मुझे नंबर्स गिवन है फ्रॉम 4 to 97, 4 to 97 अब कितने नंबर्स होंगे, क्विकली बताओ, 97 - 4 = 93 + 1 = 94। अगर मुझे नंबर्स गिवन है 11 to 90, देन क्लियर है? अब नंबर टोटल कैसे निकालने, अब वापस क्वेश्चन पे आओ। कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 5 to 102 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। इफ वन कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम,
प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड सिलेक्टेड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. प्रोबेबिलिटी नंबर सिलेक्टेड इज अ परफेक्ट स्क्वायर. टोटल केसेस 98 बन गए, अपॉन में 98 है. अब प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 से 102 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं? कितने आ गए? 8. प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? कटिंग होगी. अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से. असर्शन थी हमारे पास, कार्ड्स नंबर्ड 5 to 102 आर प्लेस इन अ बॉक्स. इफ अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड सिलेक्टेड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज 4/49. असर्शन ट्रू हो गई. रीजन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1. क्यों? Assertion true है, reason भी true है कि probability 0 से 1 के बीच में लाए करती है, but reason is not a correct explanation of this solution. So option B will be your answer. Now the next one. Assertion है, 2 dice are thrown simultaneously. There are 11 possible outcomes of their sum. Options क्या दी उसने? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. ठीक है, 2 dice are thrown simultaneously and there are 11 possible outcomes for their sum and each of them are equally likely. अब अगर आप sum को check करो तो what is the minimum sum on the 2 dice when they are thrown? 2. 1 और 1 दोनों पे आ सकते हैं, तो 2 is missing from here. यानी कि टोटल 12 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होती हैं उनके सम की, तो एसर्शन हमारी क्या हो गई? फॉल्स. अब रीजन क्या उन्होंने दिया हुआ है? रीजन गिवन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. रीजन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. बेल हो गई मतलब कान बंद कर लो, मैम ने तो बोलते ही जाना है ना. रीजन ट्रू है, एसर्शन फॉल्स है, तो डी विल बी योर आंसर. एसर्शन थी, व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली the sum of, there are possible 11 outcomes of the sum of the numbers that appears on the dice. So dice pe jo bhi numbers appear ho rahe hain unka sum agar hum le, to he was saying ki 3 4 5 12 banta hai, jabki wo 2 bhi ban sakta hai agar dono dice pe 1 banayega. To assertion ho gaya aapka false. Uske baad reason mein unhone formula diya tha, that is correct. Online students, bache, if any doubt is there in today's lecture